26 अप्रैल से शाम 4 बजे बंद होंगे हिमाचल में बैंक। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बैंक शाम 4 बजे बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू के चलते बैंकों के समय में बदलाव किया गया है। 26 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश में ये व्यवस्था लागू होगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला होगा। अगली खबर है, हिमाचल में स्कूल कॉलेजों में जरूरत के हिसाब से बुलाए जाएंगे शिक्षक और गैर शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर जरूरत के हिसाब से कम शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुला सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में बिना लेट फीस के 31 मई तक दाखिले लेने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। विभाग ने दाखिला प्रक्रिया जारी रखने, विद्यार्थियों को किताबें और राशन वितरित करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कार्यों के लिए और परीक्षणों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर बुलाने का फैसला लिया है। अगली खबर है, ऊना में नामी कंपनियों के स्टोर को पुलिस ने करवाया बंद, ड्रोन से भी की निगरानी। कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के चलते आज जिला मुख्यालय समेत तमाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार बंद रहे। हालांकि इस दौरान कुछ नामी कंपनियों के स्टोर दूध और सब्जी के नाम पर खुले रहे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टोर संचालकों को बाहर बैठकर दूध और सब्जी बेचने के निर्देश दिए और स्टोर को बंद रखने को कहा। लंबी बहसबाजी के बाद स्टोर संचालकों को पुलिस के कहे अनुसार अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने पड़े। इस दौरान पुलिस टीम ने ड्रोन के जरिए भी विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की रोजाना नई खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।